और बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से, जहां पर एक होटल में भीषण आग लग गई है जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। इस होटल को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया गया था। कोविड केयर सेंटर में 30 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा था। आग बुझाने की कोशिशें फिलहाल लगातार की जा रही है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में होटल जिसको कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया था, 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि 15 लोगों को इसमें बचा लिया गया है। खबर ये भी है कि कुल मिलाकर 40 लोग थे जिनमें से 3 कोरोना मरीज थे जो कि अंदर थे। अभी फिलहाल हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि सभी को बचा लिया, लेकिन संख्या क्योंकि काफी कम है, 40 लोगों के करीब बताया जा रहा था, बाकियों की तलाश अंदर की जा रही है। विजयवाड़ा में ये होटल था जिसको कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया गया था। इस होटल का इस्तेमाल कोविड केयर सेंटर के रूप में किया जा रहा था। लोगों को बचाने का काम अभी भी जारी है। हादसा होटल के होटल स्वर्ण पैलेस में हुआ है। 30 कोरोना मरीज अंदर थे, 10 हॉस्पिटल स्टाफ था जो कि वहां उनकी केयर के लिए था। 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 30 लोगों को बचाया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है, लेकिन वजह क्या रही इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। ये कहा जा रहा है कि रिसेप्शन एरिया में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी जो धीरे धीरे ऊपरी मंजिल की तरफ भी फैलती चली गई। हालांकि सही कारण और असली कारण क्या था ये जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी ने खुद इस हादसे पर नजर बनाए हुए हैं वो, और बेहतर इलाज के लिए अथॉरिटीज को निर्देश भी दिया जा रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर